Hey guys, please subscribe and press the bell icon to never miss a video from Explorer Dinesh. हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्लोरर दिनेश। और आज एक नई दिन के साथ एक नए ट्रिप की शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज जा रहे हैं हम लोग कोटालिंगेश्वर टेंपल, जो कि बैंगलोर से 70 किलोमीटर्स दूर पे है। मैं ऑलरेडी 2-3 साल पहले गया हुआ था वहाँ पर, एंड आज ये सेकेंड टाइम मैं जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ। मेरे मम्मी पापा हैं पीछे, मेरी बीवी है, एंड इनके साथ नेक्सॉन में पहली बार कोटालिंगेश्वर टेंपल की ट्रिप पे आज सुबह निकल चुके हैं। दिन काफ़ी सुहाना है एंड क्लाइमेट भी अच्छा खासा है, बारिश का कोई संकेत तो नज़र नहीं आ रही है। रोड्स टिल कोलार, बैंगलोर टू कोलार इट वाज ओके, बट कोलार में अभी थोड़ा बहुत जगह पे आपको नैरो रोड्स मिलेंगे गांव वाला एरिया में, तो जहाँ वहाँ पे गाड़ी कार में अगर जा रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत फेस हो सकती है। हमारी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सुबह के 8 बजे निकल चुके हैं एंड अभी कम्प्लीटली अराउंड 20 किलोमीटर्स क्रॉस किए हैं एंड अनदर 50 किलोमीटर्स इज लेफ्ट। तो इस वीडियो में आपको मेरे दो ट्रिप्स के क्लिपिंग्स देखने को मिलेगा। मैं दोनों ट्रिप्स का कंपाइल करके डाल दूंगा, क्योंकि पिछले वाला वीडियो भी मैंने डाला नहीं था कोटालिंगेश्वर टेंपल का, तो वो भी मैं इस वीडियो में कुछ शॉट्स ऐड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं बाकी का जर्नी कैसा रहता है एंड सी यू ऑन द रोड। भरे खेत खलियानों से होते हुए इन खुले रास्तों में कब 30 किलोमीटर कवर हो गए पता ही नहीं चला, और जब सफर इतना मजेदार हो तो चाय ब्रेक तो बनता है। तो पेट पूजा हो गया, हल्का सा नाश्ता कर लिया अभी एंड टाइम हुआ है अभी
10:40 अनदर 8 किलोमीटर का रास्ता है 13 मिनट्स का। सो पहुंचने ही वाले हैं, 11 बजे तक पहुंच जाएंगे हम शायद। अभी बज रहे हैं 9:30 एंड स्टेट हाईवे 95 पे अभी है एंड अभी तो रोड्स काफ़ी अच्छे हैं एंड वो मेरा डैश कैम चिल्ला रहा लैंड डिपार्चर काफ़ी इरिटेटिंग है। तो ये जो टेंपल है ये काफ़ी पुराना है, श्री मंजुनाथ जो शिव जी के परम भक्त थे उनका बर्थ प्लेस कहा जाता है जहाँ हम जा रहे हैं कोटिलिंगेश्वर टेम्पल। वो ये कोलार डिस्ट्रिक्ट में आता है, बैंगलोर से अराउंड 70 किलोमीटर्स एंड 2.5-2.5 घंटे का कुछ जर्नी रहता है उसका वन वे। तो हाफ ऑफ द 50% ऑफ द रोड्स नॉट ओके नैरो एंड 50% ऑफ द रोड्स आर वेरी गुड जब तक आप स्टेट हाईवे या NH पे हैं। कोटिलिंगेश्वर टेम्पल काफ़ी वर्ल्ड फेमस है क्योंकि कोटि मतलब 1 करोड़ शिवलिंग है वहाँ पर एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग भी वहाँ पर प्रेजेंट है। अभी उधर करीबन 90 लाख प्लस शिवलिंग है। ये जो मंदिर है सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है, रात के 9:30 तक खुला रहता है। 20 रुपये इसका एंट्री है पर पर्सन, बट कहा जाता है कि आप खुले बहुत सारे लेके चले 10-20 रुपये के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दक्षिणा ये सब मांगने का सिस्टम चला आ रहा है तो आपका जेब खाली हो सकता है। किसी भी ट्रिप पे क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पहुँचने तक का सफ़र या वहाँ पहुँचने के बाद वाली मंजिल? चलो पता लगाते हैं। कभी कभी स्पीचलेस फील करना भी ज़रूरी होता है।
मंदिर में प्रवेश करते ही आपको दर्शन होंगे शिवलिंगों के एक भव्य समुद्र से। ये भव्य दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। हरे हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव हरे शंभु। मंदिर में कई सारे अन्य देवी देवताएं भी विराजमान हैं। शंभु 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 महादेव कर पूरी। सबसे पहले आपके दर्शन होंगे श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के। फिर आगे जाके आपको दर्शन मिलेंगे श्री मंजुनाथ स्वामी जी के। इसी तरह के और कई देवी देवताओं के भी छोटे बड़े मंदिर यहाँ प्रतिष्ठित हैं। कहा जाता है कि इस पेड़ पे अगर एक धागा बांधा जाए तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है, स्पेशली अगर आप बेबी के लिए विश मांग रहे होते हैं। ऐसा नजारा है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू। नागेंद्र हारा त्रिलोचनाया बस मांग रगाया माहेश्वराय नित्या शुद्धाया दिगंबराया बस में काराय नमः शिवाय। नागेंद्र हारा त्रिलोचनाया बस मांग रगाया माहेश्वराय नित्या शुद्धाया दिगंबराया बस में काराय नमः शिवाय। हरे हरे। ओके सो फाइनली फ्रेंड्स, कोटी लिंगेश्वर टेंपल, मंजुनाथ स्वामी और शिव जी का पूरी तरह से दर्शन हो चुका और बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। मैंने बहुत सारे शॉट्स लिए हैं और अब तक तो आप देख ही चुके होंगे वीडियो में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 90 लाख प्लस शिवलिंग है एंड वो पेड़ भी मैंने आपको दिखाया जहाँ पर माना जाता है कि अगर आप धागा बांधते हैं तो आपके अगर कुछ बेबी की इच्छा है या प्रेगनेंसी रिलेटेड इच्छा है कुछ भी है तो वो सब आपका पूरा होता है। पर्टिकुलरली इस मंदिर की वही खासियत है कि जिनको बच्चे की आशा रखते हैं जो लोग, उनके लिए ये मंदिर बहुत ही लकी माना जाता है। सो वो है बात। और लकीली हमें साक्षात गर्भगृह में जाकर भगवान के साक्षात दर्शन हुए, बहुत पास से। मम्मी पापा को भी बहुत अच्छी तरह से दर्शन मिल गए एंड क्लाइमेट भी बहुत ही अच्छा रहा। हम सोच रहे थे कि हम इतने लेट में पहुंचे तो पैर जल जाएगा धूप के कारण, बट लकीली ऐसे ही क्लाउडी वेदर था तो बच गए एंड बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। एंड कुछ सारे टेम्पल्स के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे भगवानों का छोटा छोटा टेम्पल्स है बट यू कैन नॉट टेक वीडियोग्राफी इन दोज टेम्पल्स। तो मैंने सिर्फ बाहर का ही जितना हो सका, जितना अलाउड था वही सब शॉट्स लिया है। होपफुली आपको पसंद है एंड लेट्स टेक द फीडबैक ऑफ माई पेरेंट्स ऑल्सो।
मम्मी डैडी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, देखने वाला दर्शन स्थल है, फुल एंजॉयड 100%। ओके सो दे फुल्ली एंजॉयड एंड आप भी आइए बैंगलोर में, अगर रहते हैं तो 70 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है, सो इट्स ए वेरी गुड वीकेंड राइड। अगर बाइक में भी आ सकते हैं, कार में भी आ सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी सीनिक ड्राइव, सो रोड्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, इनिशियली कुछ दूर तक थोड़ा विलेज एरिया है तो उधर रोड्स थोड़ा सा नैरो रहेगा, बट इवेंचुअली अराउंड 70-80% ऑफ द रोड्स आर परफेक्टली फाइन, स्मूथ, एंड द व्यू इज ऑल्सो वेरी सीनिक, सो यू गाइस विल एंजॉय इट and it's a must visit temple place. So hopefully aapne video abhi tak dekha hai, and if you have liked the content please like, share and subscribe to the channel, it really helps. Thanks and see you in the next video. Abhi raste pe thoda sa lunch vunch kar lenge and fir ghar ke liye niklenge, zyada kuch hai nahi dikhane ke liye, so see you in the next video, bye.